हेलो, मैं जसपाल सिंह, गवर्नमेंट एमए कॉलेज मानगढ़। राजस्थान सरकार के गाइडलाइन और गवर्नमेंट एमए पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह बाबू के निर्देशानुसार स्किल डेवलपमेंट कोर्स पीजी कॉलेज में शुरू किए जा रहे हैं। इसमें अलग अलग कोर्सेज हैं। एक नंबर पहले हमने डाटा एंट्री का शुरू कर रखा है कोर्स। आज दूसरा कोर्स है आईटी स्किल या बेसिक आईटी स्किल के नाम से, बेसिक आईटी स्किल कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हम आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देंगे। ये जो आईटी स्किल का सिलेबस है, सबसे पहले हमको बेसिक चीजें कंप्यूटर के आना जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले कंप्यूटर पता होना चाहिए क्या चीज है। आज की डेट में ज्यादातर बच्चों को पता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनका कंप्यूटर से टच नहीं है उनका। हालांकि स्कूल के अंदर कॉलेज में इस कोर्स के अंदर फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, एमए के, कोई भी क्लास का रेगुलर बच्चा एडमिशन ले रहा है, उन्होंने इसके अंदर एडमिशन लिया है। तो क्या होता है, इसके अंदर नया बच्चा जो आ रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसने पहले कंप्यूटर अगर नहीं किया तो हम नए सिरे से कराएंगे। अगर किया है तो ज़्यादा समझ सकता है इसके अंदर। अब ये नहीं मान लो कि बच्चे ने कर रखा है तो कहेगा हमें को तो हमारे को आता है तो आप दोबारा क्यों करवा रहे हो। हम उन बच्चों के लिए करवा रहे हैं जिसको बिल्कुल नहीं आता, नए सिरे से हम सारा कुछ इसमें करवाएंगे। बेसिक कंप्यूटर के अंदर क्या चीज आएगी, बेसिक कंप्यूटर के अंदर, बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपको सिंपल सी चीज है, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर के बच्चे जितने भी आते हैं फर्स्ट ईयर, उनका एक एलिमेंट्री कंप्यूटर लगता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, या फिर जितने भी कॉलेज हैं सबके अंदर बीए फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर जो भी बच्चा करता है बीकॉम, बीएससी, बीसीए, उसको एक एलिमेंट्री कंप्यूटर करना पड़ता है। तो कहने का मतलब एलिमेंट्री जो कंप्यूटर है वो इसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक आईटी स्किल के अंदर वो सारी चीज हम आपको करवाएंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज होता है वो करवाएंगे। नेक्स्ट आपको इंटरनेट के बारे में, उसके बाद एचटीएमएल लैंग्वेज, कहना मतलब अलग अलग कोर्स इसमें आपको यूनिट वाइज करवाएंगे। लेकिन आज पहला दिन है, तो आज पहले दिन आपको स्टार्टिंग हम कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर क्या चीज़ है। अगर कोई भाषा देखी जाए तो क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डाटा सेव करके रख सकते हैं और जब भी डाटा की जरूरत पड़े उसे सिस्टम के ऑर्डर के रूप में दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कंप्यूटर को एनाटॉमी या संरचना के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, सबसे पहले अपने सुन देंगे इनपुट डिवाइसेस, फिर लेंगे अपने प्रोसेसिंग, फिर लेंगे आउटपुट डिवाइसेस। अब ये जो चीज करवाई जा रही है ये इससे पहले जितनी भी क्लासेस लगी हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्री कंप्यूटर की क्लास है, वोकेशनल कंप्यूटर के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं बी कॉम, बी एस सी, बी ए, बी सी ए, या वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एम ए में बच्चे जा चुके हैं, उनको भी ये चीज़ पहले करवाई हुई है। अब वो ये सोचेंगे कि ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो नए बच्चे आ रहे हैं जो इस ग्रुप में ऐड होंगे उनके लिए नए सिरे से करवाना पड़ रहा है हमारे को। अगर कोई बच्चा ये जो कोर्स करने के बाद अगर यही चीज आगे चलती है, कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आती है, फिर तो हम इसको ना करें। लेकिन इसमें अलग अलग तरह के बच्चे आएंगे, इसमें एलिमेंट्री कंप्यूटर के बच्चे भी आएंगे, इसमें ऑप्शनल कंप्यूटर भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो ये कोर्स करेगा। इसमें डाटा एंट्री की अलग सीटें हैं 30 सीटें थी, स्किल डेवलपमेंट की अलग 30 सीटें हैं, उसके बाद एग्रो एम, उसके अंदर एग्रो का एक अलग से सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। यानी 3 कोर्स इसमें चल रहे हैं तो जिसमें 30 30 सीटें। तो आपने शुरू किया है एनाटॉमी का, इसमें एक नंबर है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या चीज़ होती है, जब भी आपने डाटा की एंट्री करती है, डाटा क्या होते हैं, कोई भी रॉ मटीरियल जो आपने एबीसी कुछ भी लिखा हो डाटा हो सकते हैं, यही चीज़ है उसको मीनिंग बन जाए, वो सूचना हो जाती है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है। आपने कोई शब्द लिखा, कोई आपने कॉलेज लिखा यहाँ पे COLLEG, कॉलेज, ये अपने लिए एक मीनिंग बन जाता है। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो इसलिए इसको अपने सेव भी नहीं करेंगे। सेव किसको करेंगे, जो अपने लिए जरूरी है, जो सूचना अपने को रख के जरूरी है उसी को अपने सेव करते हैं। तो यह हो जाता है डाटा एंट्री।
डाटा को एंट्री करना एक तरह से। अब डाटा एंट्री किससे करेंगे, अब ये भी है जो डाटा एंट्री हमने करनी है तो किसके थ्रू करेंगे। डाटा एंट्री हम करेंगे सबसे पहले एक नंबर है कीबोर्ड के थ्रू। कंप्यूटर के अंदर डाटा की एंट्री करने किससे करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू। अब कीबोर्ड कैसा होता है, कीबोर्ड अगर पुरानी चीज देखी जाए तो पुराने टाइम में एक टाइपराइटर मशीन होती थी, जिसके अंदर अलग अलग ऐसे लोहे की रॉड होती थी उसके अंदर, उसके बाद नीचे एक कीपैड होता था ESDFS जो अपने सिंपल कीबोर्ड की तरह होता है। इससे जो भी अपने बटन दबाते थे, मतलब ए बटन आपने दबाया, इससे लोहे की रॉड बाहर आकर प्रहार करती थी किसके ऊपर, इसके ऊपर एक रिबन लगा होता था इंक से भिगोया हुआ। इंक ब्लू भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। इस रिबन के आगे एक ड्रम होता था जिसके ऊपर पेपर लगा हुआ है। जैसे अपने बटन दबाएंगे, ए बटन दबाएंगे, लोहे की रॉड के आगे अक्षर उभरे होते हैं, ए बी सी, ए वाली रॉड अलग होगी, बी वाली अलग होगी, अलग अलग रॉड्स होती थी उसके अलग अक्षर उभरे होते। जैसे अपने बटन दबाएंगे ये लोहे की रॉड बाहर आकर प्रहार करेगी किसके ऊपर, रिबन के ऊपर। रिबन के आगे फिर पेपर लगा होता है, वहां पे फिर अक्षर प्रिंट हो जाते हैं। ऐसे करके लास्ट तक चलता था, लास्ट में एक लोहे की रॉड बनती है, इसको पीछे करते थे आपका कर्सर शुरू में आ जाता था। इस तरह से पहले काम होता था। अब यही टेक्निक आ गई कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के थ्रू हम लोग काम करते हैं। कीबोर्ड में सारे बटन होते हैं, इसको बोलते हैं की, ये क्या है, कीज बोलते हैं इसको। अब इन कीज को अलग अलग भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, एक नंबर में कह सकते हैं सबसे पहले अल्फाबेटिकल कीज, अल्फाबेटिकल कीज। अल्फाबेट कौन से होते हैं, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट में यूज करते हैं वो अल्फाबेट कीज के अंदर आएंगे। दो नंबर आएगा न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती हैं, 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक टोटल, ये न्यूमेरिकल कीज कहलाएंगी। तीन नंबर अर्थमेटिकल कीज, अर्थमेटिकल कीज, अर्थमेटिकल कीज कौन सी होती हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। कीबोर्ड के अंदर वैसे सिंपल अपने ये क्रॉस यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन कीबोर्ड के अंदर क्रॉस ऐसे लाइन लगा दो ये सिंपल यूज होता है। डिवाइड करने पर ये सिंबल यूज करते हैं, लेकिन कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर स्लैश वाला सिंबल यूज करता है, यानी कि डिवाइड के अंदर ये सिंबल काम में है। ये होती है अर्थमेटिकल कीज। उसके बाद लॉजिकल कीज, लॉजिकल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर कोई फैसला लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो लॉजिकल कीज काम में आती है। जैसे दो संख्या दे रखी, उसमें छोटी संख्या निकालनी है तो लेस देन का सिंबल, बड़ी संख्या निकालनी तो ग्रेटर देन का सिंबल, इस तरह से लॉजिकल कीज कहलाती है। उसके बाद पांच नंबर फंक्शनल कीज, फंक्शनल कीज कौन सी होती है, F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक फंक्शनल कीज होती है। ये क्या की है, ये कॉम्बिनेशन एक तरह से बनाती है, इसमें की होती है F6। अब कंप्यूटर में जो पहली बार आप काम करोगे, वैसे तो आज की डेट में सभी विंडोज में अपने काम करते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर का बटन दबाते हैं अपने सामने विंडोज ओपन हो जाती है, चाहे वो विंडो 10 है, XP विंडो है, 7 विंडो है, वो विंडोज का एनवायरमेंट अपना सामने आ जाता है, वहां से अपना लिखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपके पास विंडोज ना हो, पुराने टाइम में क्या चलता था, 1995 से पहले DOS चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज क्या चल रहा है, विंडोज। 1983 से पहले विंडोज नहीं थी, 1983 से पहले विंडोज नहीं थी, सारा काम डॉस के ऊपर होता था। 1983 में विंडोज आई, जो डॉस पहले चलता था फिर विंडोज चलती थी। 1995 में विंडोज 95 आ गई, जो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, पहले डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, डॉस के अंदर 1983 में विंडोज ओपन हो जाती थी, सारा काम जो ऐसे आपने करने हैं वैसे विंडोज में होता था। लेकिन 1995 में विंडोज 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसमें डॉस बाद में ओपन होती थी, पहले विंडोज का एनवायरमेंट आया था बाद में डॉस के ऊपर काम कर सकते थे, विंडोज में करना विंडोज में कर सकते थे, क्यों कर सकते थे। आज तक कुछ सॉफ्टवेयर से होते हैं जो डॉस बेस्ड चलते हैं, आज भी चलते हैं, जैसे एसक्यूएल में अपने काम करते हैं, डाटा बेस एसक्यूएल स्ट्रक्चर कर देते हैं, वो भी डॉस बेस ही एक तरह से। तो कहने का मतलब कुछ सॉफ्टवेयर डॉस बेस है, कुछ विंडोज बेस है। अगर आपको लग रहा है विंडोज पे काम करना है विंडोज पे आ जाओ, डॉस पे करना डॉस पे आ जाओ। लेकिन आपने आज के जितने बच्चे जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्कूलों में, आपने डॉस में चला के देखा, तो डॉस भी आपको आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर एलिमेंट्री कंप्यूटर के अंदर या ऑप्शनल कंप्यूटर के अंदर डॉस आपके सिलेबस में एक तरह से।
तो इस डॉस के बारे में भी सीखना है। डॉस सिंपल क्या चीज है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसमें एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम को कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, आपको लग रहा है मैंने कुछ फाइल में डाटा एंट्री करनी है, कुछ लिख लिया, उस फाइल को आपने सेव कर लिया। अब आप चाहते हैं मैंने प्रिंट करना है, जब प्रिंट कमांड आप करोगे, प्रिंट दोगे, उस टाइम आप कुछ लिख नहीं सकते। डॉस के अंदर अगर आपने प्रिंट कमांड यूज करनी है, प्रिंट पेज के ऊपर करना है, उस दौरान सिर्फ प्रिंटिंग ही होगी, आप और दूसरा काम नहीं कर सकते। व्यक्ति भी एक ही काम करेगा, एक कंप्यूटर सामने पड़ा है, एक ही व्यक्ति काम करेगा, दो व्यक्ति काम इकट्ठा नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप सोच रहे हो दूसरा और दो व्यक्ति काम कैसे इकट्ठा करते होंगे, उसके लिए बताया जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे, मान लो एक मेन उसमें सर्वर लगा दिया जाएगा, मेन कंप्यूटर, उसमें 10 कंप्यूटर मॉनिटर अटैच कर दिए जाएंगे, जिसको टर्मिनल्स बोलते हैं। टर्मिनल में क्या होता है, कीबोर्ड माउस और मॉनिटर होता है। एक व्यक्ति को काम करने के लिए क्या चाहिए, सामने मॉनिटर चाहिए, नीचे कीबोर्ड चाहिए या माउस चाहिए। स्क्रीन के ऊपर जो भी आप निर्देश दो आपके काम होने चाहिए, आपको कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर कहाँ से कैसे चल रहा है। अगर सीपीयू है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपका काम सामने हो रहा है, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, 10 कंप्यूटर लगे होंगे, कोई अपने एंट्रीज करनी है, एक व्यक्ति तो उसमें टाइम लगाएगा, और उसी से 10 कंप्यूटर को उस काम को बांट दिया जाता है। तो एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही बार में एक काम को कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कौन सा है, सिंगल यूजर में डॉस आता है, इसमें फिर यूनिक्स आता है। अब इसी तरह एक आ गया विंडोज, विंडोज में क्या होता है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, व्यक्ति एक ही है लेकिन वो एक ही बार में अलग अलग प्रोग्राम को भी चला सकता है। कैसे, आप चाहते हो मैंने डाटा एंट्री भी करनी है और जो फाइल मैंने सेव कर ली उसका प्रिंट भी करना है, तो आप प्रिंट कमांड दे सकते हो, साथ में आप डाटा एंट्री कर सकते हो। आप सोचते हो मैंने ऑडियो वीडियो कुछ सॉन्ग सुनने हैं, साथ में मेरा काम भी चलता रहे, वो भी हो सकता है। कहने का मतलब सिंगल यूजर, व्यक्ति एक है, मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम, तो एक बार में एक से ज्यादा प्रोग्राम को भी चला सकता है। इसमें फिर क्या आ जाएगा, विंडोज 95 से शुरू होता है काम, 98 2000 एक्सपी विंडो, 7 विंडो, विंडो 8, विंडो 10, ये सारे इसमें तकरीबन आ जाते हैं। ये था डॉस, ये था विंडो। अब एक चीज होती है, डॉस किस पर आधारित है, तो सी यू आई पर, करेक्टर यूजर इंटरफेस। विंडोज किस पर आधारित है, जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सी यू आई का मतलब जो भी निर्देश आपने देने हैं लिख के देने पड़ेंगे। जीओआई का मतलब जो निर्देश आपने देने हैं, सामने स्क्रीन के ऊपर पिक्चर आइकन फोल्डर दिखाई दे रहे होते हैं, वहां पे डबल क्लिक करो उस हिसाब से आपका काम हो जाए। ये सिंपल आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। अब यहाँ हमने कहा कीबोर्ड के अंदर कीज 5 प्रकार की, लास्ट में 6 नंबर आपका आ जाएगा स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कौन सी होती है, जैसे अल्टरनेट, कंट्रोल, डिलीट, एंटर, स्केप, कैप्स लॉक, ये सारे जो बटन होते हैं वो स्पेशल कीज़ कहलाते हैं। ये मैंने आपको बताया कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट मैनुअल क्लास में आगे कल करेंगे। थैंक यू।